हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें हम बात कर रहे थे बेंजल्डिहाइड के बारे में। जो टॉपिक है आपका मेन बेंजल्डिहाइड है। लास्ट टर्म पर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपकी रह भी गई थी, तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में, जो कि एक नेम रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, अपने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ कराएंगे क्षारीय माध्यम में, यानी कि बेसिक मीडियम में। जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ कराएंगे, तब यहां से क्या बनेगा, सिनेमल्डिहाइड। और यही जो रिएक्शन कही जाती है, ये कही जाती है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन रिएक्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिख लीजिए बेंजल्डिहाइड क्या होता है। C6H5CHO होता है आपका बेंजल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है आपको, एसिटाल्डिहाइड होता है आपका CH3CHO। माध्यम कौन सा लेंगे, यानी कि मीडियम कौन सा लेंगे, बेसिक मीडियम या क्षारीय माध्यम, जो आपका किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, OH- से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहां से क्या होगा, यहां से बहुत ही सिंपल सी चीज होने वाली है आपका बेंजल्डिहाइड का O, बेंजल्डिहाइड का O, यानी कि ऑक्सीजन एसिटाल्डिहाइड के हाइड्रोजन के साथ क्या निकाल लेगा, H2O रिलीज करेगा। H2O क्या होता है, वाटर होता है, ये यहां से निकल जाएगा और बाकी के ग्रुप आपके क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। क्या क्या बचा इधर से, C6H5CH बचेगा, और इधर यहां से 2H तो हम निकाल चुके हैं, टोटल कितने थे, 3 थे, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1H बचेगा। तो यहां से क्या बचा, डबल बॉन्ड CH और CHO ग्रुप आपका ऐसे का ऐसे, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया सिनेमल्डिहाइड। अब आगे क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म देखना इसका ध्यान से, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में उठाएंगे हमारा एसिटाल्डिहाइड और हमारा OH, और इन दोनों की क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। बताइए किस तरह से होगी रिएक्शन इनकी, यहां से आ गया OH पार्शियली माइनस। अब ध्यान से देखना, ये वाला OH जो होगा, ये वाला OH जो होगा अपने एसिटाल्डिहाइड के H को लेकर जाएगा। जैसे इधर से H निकले हैं मेन रिएक्शन में, इधर से H निकला है, इसी तरीके से यहां से भी क्या निकलेंगे आपके, H निकलेगा। कैसा निकलेगा, H पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला OH माइनस के साथ क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, और यहां से क्या बना लेगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, यहां से H2O बनाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा, CH2 पार्शियली माइनस। देखो मैं आपको फिर से चार्ज दिखा रही हूं, यहां पे किस तरह से आएंगे ये H, ये मान लिया मैंने इस तरीके से दिए हुए हैं। अब यहां पर देखना, मैंने मान लिया ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करा, तो इस पर आएगा पार्शियली माइनस, इस पर आएगा पार्शियली प्लस। अब बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए आपको, ये और ये जुड़ जाएंगे। बाकी क्या बचा है यहां पर, CH2CHO पार्शियली माइनस। यहां पर इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, नेक्स्ट स्टेप में कैसे होगा, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि सेकंड स्टेप में, ये जो हमने यहां से ये क्या बनाया, न्यूक्लियोफाइल बनाया, इसका अटैक कराएंगे हमारे किस पर, बेंजल्डिहाइड पर। लिखिए बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इस वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। अटैक कैसे कराओगे बताओ, इसमें अटैक कराना बहुत आसान है आपको, बस क्या करने हैं, आयंस बनाने हैं, आयंस बनाने हैं। किस तरह से बनेंगे आयंस, कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, कहां पर क्या जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। डबल बॉन्ड सबसे पहले डिसोसिएट करोगे आप, डबल बॉन्ड सबसे पहले डिसोसिएट करोगे, इस पर कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पर ज्यादा आएगा बताओ, किस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्या कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे या ऑक्सीजन की तरफ, बताइए इसमें।
इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे ऑक्सीजन की तरफ, क्यों जाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप यहां से चेक कर सकते हो। यहां पर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, इस पर पार्शियली माइनस, इस पर पार्शियली प्लस। अब ये वाला माइनस वाला ग्रुप इधर जुड़ जाएगा C6H5CH, यहां पर जुड़ेगा O पार्शियली माइनस, सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है यहां पर, और ये वाला ग्रुप इसके साथ कंबाइन कर दो। इधर जोड़ देते हैं यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ CH2CHO, यहां पर इतना हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहां पर इसमें क्या करेंगे बेटा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है ना यहां से, इस वाटर मॉलिक्यूल का यूज करेंगे थर्ड स्टेप में। उठा लीजिए ये ग्रुप C6H5CHO पार्शियली माइनस, और यहां से CH2CHO, क्या करेंगे इसमें H2O ऐड करेंगे। H2O को क्या करना है, पहले सबसे पहले आयंस में ब्रेक करोगे, H प्लस OH माइनस में आयंस ब्रेक होते हैं। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपका H प्लस जो होगा इस ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात, किधर जुड़ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से आपका बेस जो कैटलिस्ट था वो रिलीज हो जाएगा। जैसा वो पहले था ऐसे का ऐसे ही आपका ये कैटलिस्ट आपको यहां से मिल जाएगा। आगे देखो इसमें C6H5CHOH, यहां पर आएगा CH2CHO प्लस OH पार्शियली माइनस, कैटलिस्ट आपका एज इट इज बाहर। फोर्थ स्टेप देखना इसका, लास्ट स्टेप होगा ये। अब यहां से क्या करोगे, यहां से बताओ क्या निकलेगा, C6H5CHOH CH2CHO, यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से बिल्कुल ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होने वाली है। ये वाला OH जो है इसका एक H लेकर बाहर निकल जाएगा, किसका एक H, अपनी अल्फा पोजीशन पर एक H लेकर बाहर निकल जाएगा, और किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, H2O की फॉर्म में, यानी कि यहां से क्या करना है आपको, माइनस H2O करना है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, बन गया आपका यहां से सिनेमेल्डिहाइड। नोट कीजिए पूरी रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें क्या दी हुई है, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में आपको बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है अल्फा हेलो एस्टर के साथ। किसकी प्रेजेंस लोगे, इसमें जिंक डस्ट का हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, और दूसरे बार के में भी इसमें आपको हाइड्रोलिसिस। तो कुल मिला के ये रिएक्शन जो होती है टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है C6H5CHO, किससे कराओगे इसकी रिएक्शन, अल्फा हेलो एस्टर के साथ, C6H2 तो बेंजल्डिहाइड का है। अब यहां पर देखना, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, जिंक डस्ट मिलाना पड़ेगा उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद। फर्स्ट स्टेप में आपका ये होगा, यहां से रिएक्शन आपकी किस तरह से होगी, रिएक्शन आपको पता चलेगा मैकेनिज्म। इस टाइप की एक रिएक्शन और कराई थी आपको, किसमें कराई थी, एल्डिहाइड कीटोन में इस टाइप की रिएक्शन कराई हुई है आपको। देखिए इसमें C6H5CHOH, यहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा CH2COC2H5। फिर उसके बाद आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, प्लस H2O, क्या करना है, प्लस H2O करना है। और यहां से H2O करने के बाद यहां से क्या होगा बताओ, यहां से सबसे पहले तो आयंस बनेंगे। आयंस बनाने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला OH ये C2H5 के साथ बाहर हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, 2 C2H5 OH की फॉर्म में। यहाँ से C2
H5OH, यहाँ से क्या बाहर हो गई, अल्कोहल बाहर हो गई, यहाँ से क्या बचेगा अब C6H5CHOH CH2COOH। अब यहाँ से आपका क्या बना, यहाँ से अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से आपका बना है। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। और इस रिएक्शन को आप और आगे भी कर सकते हो, क्या करोगे इस रिएक्शन में आगे, ये वाला OH इसका एक H लेकर बाहर निकल जाएगा, कैसे, माइनस H2O करके, H2O यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ से C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। क्लियर है इतना, ये हो गई आपकी रिएक्शन। मैकेनिज्म देखना इसका, मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें उठाएंगे अल्फा हेलो एस्टर, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसमें जिंक डस्ट मिलाएंगे, क्या करेंगे जिंक डस्ट मिलाएंगे, उसका देखना रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अल्फा हेलो एस्टर उठाना है, यहां से आपका क्या बनेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, एक्स जेड एन, ये जो जेड एन है जिंक डस्ट है ये आपकी कहां जुड़ जाएगी, यहां पर इनके बीच में जुड़ जाएगी, तो यहां से क्या आ जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका यहां से बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के लिए भी अभी इसमें कुछ चीज बाकी है, क्या बाकी है, इसका हाइड्रोलिसिस हम ऐसे ही नहीं कर सकते, इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें कुछ और भी रिएक्शन इसमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हमारे बेंजल्डिहाइड के साथ कराएंगे। देखो मैंने इसमें क्या बताया, सबसे पहले जिंक डस्ट मिलाएंगे, जिंक डस्ट मिलाने के बाद कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, ये क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसके साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसके साथ, देखना रिएक्शन कैसे होगी, C6H5CH OOH, इसमें क्या मिलाएंगे, ये मिला देंगे अपना XZNCH2COOC2H5। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आयंस बनाएंगे, आयंस किस में बनेंगे, यहां पर O पार्शली माइनस, ये पार्शली पॉजिटिव बनेगा, और इसी तरीके से यहां पे बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, यहां पर सी पार्शल माइनस और ZN पर पार्शली पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहां से देखना ध्यान से बिल्कुल, यहां पर क्या होगा, जो आपका नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव पर और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा, C6H5CHOZNX, और इससे CH से कौन जुड़ेगा, ये CH2 वाला ग्रुप, CH2COOC2H5। अब इसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करो थर्ड स्टेप में C6H5COZNX CH2COOC2H5। इसमें आप क्या करोगे, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, किसमें होगा ऐड, किस तरह से होगा ऐड, H+OH- में आयंस बनाओ पहले, H+ और OH- में क्या करोगे, सबसे पहले आप आयंस बनाओगे। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव जोड़ना आप जानते हैं, C6H5CH, यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, ये एच तो आकर जुड़ेगा यहां पर, कहां पर, इस ओ पर, मान लो मैंने इसको यहीं पे रिमूव कर दिया, कैसे रिमूव करेंगे, जेड एन एक्स और ओ एच, मैंने इस तरह से इसको एरो पर ही बाहर निकाल दिया, दिख रहा है यहां से, और यहां पर क्या करोगे, ये वाला ओ एच इसकी जगह आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये आ गया ओ एच। अब यहां से आपका बाकी का ग्रुप ऐसे का ऐसे ही, नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो क्या होने वाला है, बताओ बन गया हमारा ये इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। फिलहाल इन तीनों स्टेप्स को नोट कीजिए, फिर मैं उसके बाद ये रफ करूंगी, ऊपर से लिखूंगी।
देखना नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फोर में यहाँ से क्या होगा, स्टेप नंबर फोर में हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O मिलाओगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। बॉन्ड्स ब्रेक कौन सा होगा, देखना बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से C2H5 जो है किसके साथ जाएगा, OH के साथ चला जाएगा, किसके साथ, OH के साथ, किसकी फॉर्म में, C2H5OH एल्कोहल की फॉर्म में, एथाइल एल्कोहल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये वाला एच यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, किस तरह से, C6H5CHOH CH2COH, ये आ गए यहां से। फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, इसको गर्म कर दोगे, C6H5CHOH CH2COH, इसको क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे, यहां से क्या निकलेगा, HOH यहां से आपका बाहर निकल जाएगा, यहां से H लेंगे, यहां से OH, तो किसके क्या बाहर निकल आएगा, H2O यहां से बाहर आ जाएगा और बॉन्ड कहां आएगा, यहां पर आपके बॉन्ड इंक्रीज हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल आ जाएगा, C6H5CH COH बन गया यहां से आपका सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से क्या बन गया, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट करिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है विटिंग रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन आपको कराई हुई है, विटिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है, पिछली बार हमने जब कराई थी उसमें हमने कीटोन लिया था, तो इस बार हम क्या लेंगे, इसमें बेंजल्डिहाइड लेंगे। देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी, C6H5CHO लेंगे, किसके साथ रिएक्शन कराई थी हमने, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया था इसमें, वो आपका क्या होता है, इसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन C6H5 का ट्राइस P और यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप, मर्जी है आपकी, इस तरह से जोड़ना चाहते हैं इस तरह से जोड़ लीजिए या दूसरा एल्काइल ग्रुप आप इसमें ले सकते हैं। देखिए अब इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन हमारी बिना कैटलिस्ट के होती है, बस इसमें आपको क्या करना है, ग्रुप्स रिप्लेस करने हैं, कौन कौन रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला ग्रुप आपका इधर आकर जुड़ जाएगा, मैकेनिज्म में देखेंगे किस तरह से आपके बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, किस तरह से आपके ग्रुप जुड़ते हैं, सी एच यहाँ पर आएगा आपका सी आर आर, आर की जगह पर आप यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, और दूसरा क्या बनेगा आपका, यहाँ से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बनेगा, यहाँ से आपका दूसरा C6H5 का ट्राइज पी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका यहां से क्या बन गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बन गया। इसे आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैकेनिज्म बताएंगे आपको। देखो इसका मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये दोनों ही लेने हैं, बेंजल्डिहाइड उठाइए C6H5CHO, दूसरा आपका क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होंगे, ये पार्शियली माइनस, ये पार्शियली प्लस, इसी तरीके से आपको क्या होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे होगा यहां पर बताइए, इसमें ये बॉन्ड आपका इधर डिसोसिएट होगा, ये पार्शियली माइनस, ये पार्शियली प्लस, आगे क्या होगा आप सभी जानते हो, अपोजिट चार्ज वाले एक साथ जुड़ जाएंगे आपके C6H5CH, ये क्या है यहाँ पर आपका O है, इस O से कौन जुड़ेगा, ये P जुड़ेगा यहां से आपका P C6H5 thrice, और यहां पर आपका कौन जुड़ेगा, इससे आपका कौन जुड़ेगा बताओ, इससे आपका फिलहाल तो आपका ये कार्बन जुड़ा हुआ है R R, और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, कुछ इस तरह से, समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट उठाना है C6H5CHOP C6H5 का ट्राइज, यहां से आपका R R,
अब यहाँ पर आपको क्या करना है बताओ, यहाँ पर भी आपको दूसरा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये माइनस ये प्लस में, इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ये पार्शियली माइनस ये पार्शियली प्लस में। आप जानते हो ना क्या होगा, यहाँ से आपके ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और ये वाले बॉन्ड बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। C6H5CH डबल बॉन्ड CRR, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड था पहले, इन चार्जेस की वजह से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के बीच होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C6H5 का थ्राइस P डबल बॉन्ड O। ये हो गई आपकी पिटिंग रिएक्शन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन में क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा मेलोनिक एस्टर के साथ बेसिक मीडियम में, जिससे वो आपको देगा एक अनस्टेबल प्रोडक्ट। उसका आपको करना होगा हाइड्रोलिसिस और पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन, तब आपका वहां से बनेगा सिनेमिक एसिड। यही है इसमें नोवेंजल रिएक्शन में, नोवेंजल रिएक्शन में यही करना है आपको, बस क्या लेना है आपको, बेंजाल्डिहाइड और मेलोनिक एस्टर। और क्या लेना है, मेलोनिक एस्टर लेना है। C2H5 किसके मीडियम लेना है, बेसिक मीडियम यानी कि क्षारीय माध्यम आपको यहां से लेना है। यहां से आपका क्या होगा, यहां से बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होने वाली है। ये वाला ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन लेके H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीजन लीजिए और ये वाले हाइड्रोजन लीजिए और यहां से H2O वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दीजिए। ये रिएक्शन C6H5CH और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा डबल बॉन्ड C C डबल ओ C2H5 C डबल ओ C2H5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहां से इसका हाइड्रोलिसिस करना है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस H2O, कितने H2O मिलाओगे डिपेंड करता है आपके इस ग्रुप के ऊपर, कि यहाँ पर आपके 2C2H5OH है ना, तो यहाँ पर आपको दो वाटर मॉलिक्यूल लेने होंगे। समझ में आ गए इतनी बात। अब यहाँ से क्या होगा, C2H5OH तो बाहर चले जाएंगे दोनों, 2C2H5OH तो आपके आ गए बाहर और यहाँ पर क्या बचा, C6H5CH डबल बॉन्ड C और ये आ गया आपका यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए आपके दो। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन। पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन समझ में आता है क्या होगा, पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन में आपका यहाँ से बस इसको क्या करना है, पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन। यहां से आपका एक CO2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, C6H5CH C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल ओ H और यहां से आपका CO2 गैस बाहर। क्लियर है इतनी बात। ये हो गई आपकी मेन रिएक्शन। इसके बाद देखेंगे इसका मैकेनिज्म, नोट कीजिए इसको। देखिए इसमें ये है इसका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बेस लेना है और बेस में आपको यहाँ से क्या मिलाना है, मेलोनिक एस्टर। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हमने पहली रिएक्शन में किया था, यहाँ से H रिलीज होगा और किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ये आप गया आपका यहाँ से H2O और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा प्लस, यहाँ से क्या आएगा, दोनों H तो निकल गए बाहर, क्या निकल गए, दोनों एच तो आपके बाहर निकले, दोनों कहाँ निकले, एक ही तो एच निकला है, एक एच जाएगा एक ओ एच जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, CH C डबल ओ C2H5 C डबल ओ C2H5 और यहां पर क्या आएगा, चार्ज कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव। तो यहां से आपने क्या बना लिया, यहां से आपने न्यूक्लियोफाइल बना लिया। अब इस न्यूक्लियोफाइल का क्या करोगे,
अटैक कराओगे, किस पर अटैक कराओगे? अपने बेंजल्डिहाइड पर। बिल्कुल सही, इसका अटैक होगा आपके बेंजल्डिहाइड पर। सेकंड स्टेप देखो, C6H5CH डबल बॉन्ड O, यहां से आ गया CH C डबल O C2H5 C डबल O C2H5। अब यहां से क्या होगा, आपको बनाने हैं यहां से आयंस। आयंस कैसे बनेंगे, ये आपका बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, यहां पर आएगा पार्शियली माइनस, यहां पर आएगा पार्शियली प्लस, और इस पर तो क्या दिया हुआ है, माइनस। अब आप जानते हैं ये वाला ग्रुप कहां जुड़ जाएगा, आपका इधर आकर जुड़ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये C6H5CH, और इससे जुड़ा हुआ O मैं लिख रही हूं ऊपर, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपका, ये वाला ग्रुप आपका इधर आकर जुड़ जाएगा। ये आ गया आपका CH C डबल O C टू एच फाइव C डबल O C टू एच फाइव। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, आपको यहां से क्या करना है, इसमें वाटर मिलाना है, यानी कि इसका कुल मिला के हाइड्रोलिसिस करना है। पहले हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल लेके हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, C6H5 CH O पार्शियली माइनस C H C डबल O C टू एच फाइव C डबल O C टू एच फाइव। अब यहां से आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल मिलाना है H2O का। अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना, H2O आयन से ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस, जिसमें से H प्लस आपका इसके साथ जुड़ेगा, OH माइनस आपका जैसा कैटलिस्ट था ना, ये इसी फॉर्म में आपका बाहर आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, पहले अपना कैटलिस्ट बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद यहां पर H जोड़ देंगे, C6H5CHOH CH, यहां से क्या आ जाएगा C डबल O C टू एच फाइव C डबल O C टू एच फाइव। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला H, ये वाला OH जो है इसको लेकर बाहर जाएगा। देखना किस तरह से होगी ये रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है आपकी आगे आगे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स ऐड होती जा रही है। देखो नेक्स्ट क्या होगा, C6H5CH OH CH, और यहां पर C डबल O C टू एच फाइव C डबल O C टू एच फाइव, ये आ गए यहां से। अब यहां से आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको यहां से क्या करना है, ये वाला OH इसका एक H लेकर H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, माइनस H2O हो गया, और यहां पर क्या होगा आपका, इन दोनों के बीच बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, C6H5CH डबल बॉन्ड C C डबल O C टू एच फाइव C डबल O C टू एच फाइव, ये हो गया आपका इसका फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फिर से हाइड्रोलिसिस करना है। अब देखना इसका कितनी बार हाइड्रोलिसिस हुआ, एक बार तो हमने वाटर मॉलिक्यूल ये वाला मिला दिया है यहां पर, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, इसमें दूसरी बार हमें इन दोनों ग्रुप्स को हटाने के लिए दो H2O मिलाने होंगे, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फिर फिफ्थ स्टेप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके बाद फिफ्थ स्टेप करूंगी। इधर देखो फिफ्थ स्टेप, अब यहां से क्या करना है आपको, टू H2O मिलाने हैं। क्या मिलाने हैं, टू H2O मिलाने हैं, एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, क्या बाहर जाएगा, टू C2H5OH आपका बाहर हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड C C डबल OH और C डबल OH। इसके बाद जानते हो आपको क्या करना है बताओ, इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में आपको इसका करना है पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करना है, पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन। उठा लो अपना ये C6H5CH डबल बॉन्ड C C डबल OH C डबल OH, और इसका आपको क्या करना है, पार्शियली डीकार्बोक्सिलेशन।
अब यहाँ पर देखना क्या होगा, ये वाला एक CO2 ऊपर वाला निकाल दो या नीचे वाला निकाल दो, मर्जी आपकी है। एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर आएगी, और दूसरा आपका यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां से आ गया COOH। ये हो गया आपकी यहां से कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, नोवेंजल रिएक्शन आपकी यहां से होती है कंप्लीट। इसके बाद हमारी क्या है, इसमें और भी बहुत सारी रिएक्शन है, एक इसमें और भी क्या रह रही है, हमारी नेम रिएक्शन है इसमें और भी, और उनके मैकेनिज्म है, वो हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टाइम पर, आज इसमें हम इतना ही करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_india, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिएगा उस पर, आईडी बनाकर सर्च करिएगा उस पर यहाँ पर फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहां से आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर आगे की रिएक्शंस के साथ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।